मानों में कहा जाए ये वाकई में किसी हराम की पैदावार थी, एक हीरा मंडी की पैदावार थी। इनके बापों का नाम इनको पता नहीं कि ये किस गंदी नाली के कीड़े हैं, किस बगैरत ने अपने डीएनए से इस तरह के हरामजादे पैदा किए जिनको लोन माफिया के एजेंट करार दिया गया, जिनको इन एप्लीकेशन वालों ने अपने पे रोल पर रखा है। और सबसे बड़ी बात, इस बगैरत को यकीन करें, खुदा की कसम ये कभी मुझे मिल जाए इसका मैं वो हाल करूं और ऑन कैमरा आपको दिखाऊं इस बगैरत इस कंजर का हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से जितनी भी नई मालूमात होती है मेरी कोशिश होती है बड़ी जल्दी से बहुत सबसे पहले तेज तरीन तरीके से आप तक मैं उस खबर को पहुंचाऊं। आज की मेरी खबर भी कुछ इस तरह से ही है। आज मैं बात करने वाला हूं उधार पैसा एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी ऐसे दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान भर में लोग रहते हैं जिन्हें उधार पैसा से लोन लिया है, तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें उधार पैसा से लोन लिया है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जल्दी से चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाया करें। इससे ये होता है कि जितनी भी नई मालूमात आती है आप तक बआसानी बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती है। उधार पैसा एक ऐसा एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसे SECP ने मुकम्मल तौर पर वाइट लिस्ट में शामिल किया था। वाइट लिस्ट में शामिल होने वाली तकरीबन 5 एप्लीकेशन थी, बाकी की तमाम एप्लीकेशन जो है SECP ने इलीगल करार दी थी। और जो वाइट लिस्ट एक जारी की थी, ब्लैक लिस्ट जारी की थी। ब्लैक लिस्ट में तकरीबन 100 के करीब एप्लीकेशन है और वाइट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 एप्लीकेशन है, स्मार्ट कर्जा, उसके अलावा परवक्त लोन, जरूरत कैश, उधार पैसा। तो आज की मेरी वीडियो भी उधार पैसा के लिए। तो सबसे पहले मैं उन इदारों को सल्यूट पेश करने चाहता हूं जिन्होंने इन बगैरत एप्लीकेशनों को लाइसेंस जारी किया और आवाम को ये कहा गया कि ये आपके कीमती डेटे तक कभी भी रसाई हासिल नहीं करेंगी और आपको कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेंगी। आज उधार पैसा ने अपना छितर भिगो के उन उधार इदारों के मुंह पर मारा है जिनको इन लोगों ने वाइट लिस्ट में शामिल किया। SECP ने उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है उधार पैसा ने। आज मैंने एक वॉइस नोट सुना है उधार पैसा का, यकीन करें जब से मैंने ये वॉइस नोट सुना है मेरा खून खोल रहा है। सुबह से लेके अभी तक जो है मेरा ब्लड प्रेशर इस कदर हाई है, काश वो बंदा मेरे सामने आ जाए, खुदा करे काश वो बंदा मेरे सामने आ जाए, वो लोन माफिया का एजेंट जो उधार पैसा का एक काम करने वाला एक एजेंट है। सही मानों में कहा जाए ये वाकई में किसी हराम की पैदावार थी, एक हीरा मंडी की पैदावार थी। इनके बापों का नाम इनको पता नहीं कि ये किस गंदी नाली के कीड़े हैं, किस बगैरत ने अपने DNA से इस तरह के हरामजादे पैदा किए जिनको लोन माफिया के एजेंट करार दिया गया, जिनको इन एप्लीकेशन वालों ने अपने पे रोल पर रखा है। और सबसे बड़ी बात, इस बगैरत को यकीन करें, खुदा की कसम ये कभी मुझे मिल जाए इसका मैं वो हाल करूं और ऑन कैमरा आपको दिखाऊं इस बगैरत इस कंजर का हाल। सबसे पहले इस बगैरत का आपको मैं वॉइस नोट सुनाऊंगा। इस बगैरत जिसको मैं कहता हूं, ये सही मानों में पूरे इलाके के DNA से इस तरह का हरामदा बच्चा पैदा होता है। पहले इसका वॉइस नोट सुने, उसके बाद मजीद मैं गुफ्तगू आपसे करता हूं। चार डाल है भाई, वही आपको कह रहा हूँ सर, 400 कहा कि आप अभी इसको करके आपको 10 मिनट का अच्छा। मिल जाएगा तो उसमें अच्छा, नहीं मिला आपका जो कमिटमेंट कर 40 का वो मेरा पूरा उतर रहा था अच्छा। समझ रहे हैं, इसलिए मैंने अच्छा। उस चक्कर में वो कर दिया और वो भी नहीं मिला, अनलॉक हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी नहीं था आपको। आपको लग रहा है शायद हम रिकॉर्डिंग कॉल पे आपके साथ झूठ बोलते हैं। नहीं सर, पेमेंट का बताया भाई, करनी है अभी नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा दे दे क्योंकि मैंने कल 55,000 रुपए टाइम नहीं है कल भी, मैं आपकी वजह से यकीन करें मैं दलील हुआ हूँ। ठीक है, सुबह ऑफिस में आते जिस तरह मैं दलील हुआ ना, अब मैं आपको दलील करूंगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का दे दे क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी आपने माना तो मैंने मुंह में बकवास की 2 दिन की दलील। सर मैं बकवास कर रहा हूँ, 12 बजे तक पेमेंट करें या नहीं करे तो 2 दिन सुना रहे हैं। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। कौन कर रहे आगे से? मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं या नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए, जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया है, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में ये कह रहा हूँ कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो किए, आप मेरी भी तो बात समझ। क्यों किया है?
मुझसे पूछ के किया था, मैंने बकवास की नहीं थी तुम्हें लास्ट कॉल के पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है, की थी बकवास के नहीं सर? तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी। बकवास की थी, की थी बकवास? ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब ऑन कॉल में तुझे बता रहा हूँ मैं, तुझे दलील किसका कर रहा हूँ, सुनिए अब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है मैडम, तो आरबे से कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? जानने वाले क्या? जानने वाले क्या? जानने वाले तालुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताया ना जब मैंने आपको। मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी से, तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया गारंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जरूर करना स्टार्ट करूँ? बात सुनो, मेरा दोस्त बात सुनो, बात सुनो। हाँ जी ठीक है, मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी भी कैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारे भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल सुना रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं तो 12 बजे तक? 12 बजे तक मेरे लिए मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। अब्बा भी करेगा पेमेंट, मैंने बकवास की है, अब्बा भी पेमेंट करेगा, मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी जरूरत क्या थी, तुमने मेरे साथ मिसकमिटमेंट की है, तुम्हें गैरत नहीं है, तुम्हें टाइम नहीं लग रहा यार? स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कल जो आपको। मैनेजर तो ऐसे कॉल पे कनेक्टेड है, तुमने उसको उस आपको मैंने बकवास किया कि पेमेंट चाहिए, आपने बोला कि मैं 8 बजे पेमेंट करूंगा, की क्यों नहीं है ये बताओ, इस चीज का जवाब दो। तो मुझे ये कमिटमेंट किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपका ही नुमाइंदे तो कोई पाशा साहब करके थे। सोच समझ के मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड हो, तुम्हारी घर की फीमेल मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड है, आपने इस के तमाशा बनवा आगे बैठ जाएगा। मुझे बता पेमेंट करनी है 12 मई तक, मैं अपनी सारी हद क्रॉस कर। मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे मेरी तरफ से मर जा, यकीन कर ले मेरी तरफ से मर जा, ठीक है, बस ये कट्टों का वार नहीं है मुझे। खत्म कर देते और क्या करते हैं, कर दे भाई खत्म कर दे। अभी कॉल पे बैठो, खुदकुशी कर, कॉल पे बैठो कर खुदकुशी। हाँ बस कर रहे हैं, मैंने बोला कॉल पे है कर खुदकुशी। लटक जाता हूँ मैं, पेमेंट लटक, अभी लटक, मर मर मर, था की वार होनी चाहिए, मरना ही चाहिए। किसके सामने? आपका वीडियो कॉल पे आ जा, वीडियो कॉल पे आ जा, मर जा, वीडियो कॉल पे आके मर जा। 3 दिन से जलील किया हुआ तुम लोगों ने, पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? पेमेंट मैं लाजमी करूंगा, लाजमी। कितनी देर में कर रहा है पेमेंट? थोड़ा सा कितनी देर में कर रहा है? नहीं होगा टाइम चाहिए, 2 दिन में कर। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा जलील करके रख दूंगा, बहुत ज्यादा जलील चाहिए, 2 दिन में पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बता दें पेमेंट कर रहा है आज के डेट में क्या नहीं कर रहा? 2 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये मेरा वादा। मैंने जो बोला है मेरी बात की समझ नहीं आ रही यार? मैंने कल बड़ी मुश्किल से 55,000 किए, मुझसे पाशा साहब ने क्यों किया गया था? क्यों किया पेमेंट वो? क्यों किया यार मुझसे कमी? मैंने तो मैं बकवास की थी पहले, ये सब पेमेंट करें, बकवास की थी मैंने उनसे, मैंने बकवास की थी पहले ये पेमेंट कर लिया। एक मिनट मेरी सुन, बकवास करो समझ नहीं आ रही, एक मिनट मेरी सुन लिया सिर्फ आप। मैंने जो बकवास की है समझ नहीं आ रही, मैंने बकवास की थी 70,000 वाले पहले पेमेंट कर दी है। आपके बारे में मैं ऐसा नहीं, आप देखें यार, मैंने तो पूछा, मुझे इस चीज का जवाब दे दो, मुझे अंदाजा है इस चीज का। आप जॉब मैं कल बोल के गया यार, समझ नहीं आ रही तुम्हें, पागल हो तुम? मैं वही कह तुम्हें पहले ये पेमेंट करनी है यार, मेरी पेमेंट वो भी तुमने ली थी पेमेंट, ये भी तुमने ली थी, एहसान नहीं किया वापस करके लोन देकर। मुझे 2 दिन का टाइम देना, 2 दिन नहीं होगा, 2 दिन यार मैं तुझे 1 घंटे का टाइम नहीं दे रहा, तुम 2 दिन की बकवास कर रहे हैं, करनी है पेमेंट की नहीं करनी है काम, या दूसरी फीमेल को कॉल भी लो, करनी है पेमेंट या दूसरी फीमेल को कॉल भी लो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब जो मर्जी कर ले, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ जो मर्जी कर ले, जो होता कर ले, कर लू ना मैं, जो मर्जी कर, मेरी तरफ से जाकर अपनी बहन का रिश्ता दे दे किसी पठान को, ठीक है, टट्टू को बाहर नहीं है, बकवास किए जा रहा है, पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? थोड़ी अपनी टोन थोड़ी अपनी बेहतर करो, मेरी ऐसी रहेगी टोन मेरी ऐसी, मैं गंदी गंदी गालियां दूंगा तेरी बहन के नंबर पे कॉल कर दी, ये बता दे तरीका नहीं है, यही तरीका है, यही तरीका नहीं देख, मैं बात करूँ, मैं आपसे यही तरीका पेमेंट 12 बजे तक भी टाइम दू या नहीं दू? मुझे आप 2 दिन का टाइम दिलवा दे, नहीं होगा पूरी पेमेंट करवा दूंगा पूरी, मुझे मेरा यार बकवास लगा रहे, मेरा दिमाग ना खराब हुआ। तेरे पास अभी कितनी अमाउंट पड़ी हुई है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, पर मैंने पूरे 55,000 अपनी माँ के ना। आपने ये वॉइस नोट सुना और उसके बाद आप भी गुस्से में इस टाइम आग भुगोला हो रहे होंगे, और हमारे वो इदारे जिन्होंने इनको व्हाइट लिस्ट में शामिल किया है अभी तक बंग पी के सो रहे होंगे।
ये वो बगैरत के बच्चे हैं, वो हराम की पैदावार हैं, जिनके वो अपने बाप का नहीं पता, कसम से नहीं पता। इनको नहीं पता होगा इनका बाप कौन सा है। इनकी माँ ने जो बताया कि फलां तुम्हारा बाप है, बस उसी को समझ के बैठे हुए हैं। सही मानों में ये पूरे इलाके के डीएनओ से पैदा होते हैं, जिनको इतना भी नहीं पता कि किस तरह से बात करते हैं। उस लेडीज को इसने फोन किया जो ऑन कैमरा थी, जो उसके साथ ये बात कर रहा था, जिस लेडीज के साथ, भाई के साथ, उसके भाई का लोन का लेन देन है, भाई को दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ मैं फोन पे बात कर रहा हूं, और औरत को बाजी बहन अस्सलाम वालेकुम करने के बगैर यार कह रहा है। शर्म से डूब मरो बगैर तो, लाने तक तुम्हारी ऐसे काम पे, और हमारे उन इदारों पे जो आपके सूलतकार बने हुए हैं, भोंगते रहते हो आप लोग। खुदारा आवाम से भी हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं, इन बगैरतों को इनके मुंह पे जवाब दिया कर, इनको पता चले डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिवाय कुत्तों की तरह चबड़ चबड़ भोंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, फोन के अंदर से बाहर नहीं आएंगे। जिस दिन ये बाहर आएंगे, आपके घर तक आएंगे, उस चीज का मैं जिम्मेदार रहूंगा, कभी भी आपके घर पे नहीं आएंगे। आए ना आप इन तक पहुंच सकते, ना कभी ये आप तक आ सकते, सिर्फ फोन पे भोंक सकते। बार बार ये कह रहा था करो खुदकुशी, देखता हूं करो खुदकुशी, वीडियो कॉल पे करो, और लानत है तेरे ऐसे काम पे, ऐसे पैसों पे, इस तरह की रोजी कमा के घर में बीवी बच्चों का रिजक कमा रहे हो तुम, लानत है, डूब के मरना चाहिए। इससे अच्छा तुम अपनी माँ बहन बेटियों को चकले पे बिठा दो, ये जो उधार पैसा का एजेंट है, लानत है तुम्हें बोल रहा हूं। अगर इतनी हिम्मत है डिस्क्रिप्शन के अंदर आओ, करो मेरा मुकाबला। व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, फेसबुक का लिंक भी मौजूद है। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, करो मुझसे कॉन्टेंट, करो कभी रब्ता मुझसे, फिर तुम्हें बताऊं मर्द क्या होता है। तुम्हारा अभी तक खुसरो से पाला पड़ा है, हराम की पैदावार। नाजरीन मेरी वीडियो काफी लंबी होती जाएगी और मेरा गुस्सा भी काफी बढ़ता जा रहा है। इसी सी बात के साथ अपनी दुआओं में अकीलों में भी याद रखिएगा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इदारों को कभी ना कभी होश के ना होना है, कभी ना कभी इस भांग के नशे से बाहर आए, और इन लोन माफिया को गले से पट्टा डालें, जो इनकी औकात है, कुत्तों को पट्टा ही डालना चाहिए। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।